गुड मॉर्निंग बच्चों, जानता हूँ मैं आज वर्कशीट्स लेट हो गई हैं, पर वर्कशीट आई ही लेट थी और फिर मैं भी आपकी तरह थोड़ा लेट से उठता हूँ, तो आज वर्कशीट बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। पर चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 7 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 28 क्लास 9th की सर्वांग समता के ऊपर है, तो आज शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 कोण और शीर्ष, इसका मतलब क्या होता है। सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियाँ जिनमें सभी अंग समान यानी बराबर हों। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, तो आप अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखिए, आपको दिखेगा आपके दोनों हाथ बनावट में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जो चीज़ें बनावट में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, जैसे 10 के नॉट के ऊपर 10 का नॉट रखोगे तो वो एक जैसी हैं, उनको हम कहते हैं कि वो सर्वांग सम है। तो अब आगे देखते हैं, तो इसमें लिखा है बच्चों अब आप अपने आसपास सर्वांगसम वस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण दीजिए। तो मैंने बता दिया 10 का नॉट हो गया, एक ही जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए। अब जैसे मेरे पास और मेरी बहन के पास सेम मोबाइल फ़ोन है, तो हम दोनों के मोबाइल फ़ोन भी सर्वांगसम है। मेरे पास और मेरे छोटे भाई के पास एक जैसे 2 पेन हैं, तो वो पेन भी सर्वांगसम हो गए। तो जो भी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं वो सर्वांगसम कहलाती हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनके सभी भागों का माप बराबर हो। 2 त्रिभुज ABC और DEF लेते हैं, यदि आप ABC और DEF के ऊपर रखें। अब यहाँ देखिए ABC और DEF हैं, ABC और DEF, ध्यान से देखिए, एंगल A भी 80 डिग्री का और एंगल D भी 80 डिग्री का, एंगल B 52, एंगल E 52, एंगल C 48, एंगल F 48, यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो AB 4.5, DE 4.5, जानता हूँ बहुत छोटा है दिख नहीं रहा होगा, पर मेरी बात जो सुन रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उससे समझ लीजिए। AC 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, तो AC 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ DF 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए CB 6.5 और यहाँ FE 6.5। तो इसी को हम सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है, लेकिन वो आपकी अगली वर्कशीट है कि सर्वांग समता निकालते कैसे। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि सर्वांग समता क्या होती है और सर्वांग समता के साथ संगत भाग कौन से होते हैं। संगत भाग कौन सा होगा बेटा, जैसे ये 80 और 80 के कोण है, ये 52 और 52 का कोण है, तो इन कोणों के बीच वाला हिस्सा जो है ये संगत भुजा हो जाएगी। समझ में, बिल्कुल संगत भुजा का मतलब है जो बराबर भुजाएं होंगी। और अगर मुझे कुछ चीज़ें पता हैं कि ये बराबर हैं, तो बाकी चीज़ों को हम बराबर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको त्रिभुज की कुछ चीज़ें पता हैं कि ये बराबर हैं, तो बाकी चीज़ों को आप नियम से लिख सकते हैं कि भाई अगर त्रिभुज के 3 हिस्से बराबर हैं। अब देखिए 6 चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, 3 तो कोण है, 1, 2 और ये तीसरा, और 3 भुजाएं हैं। तो अगर तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब कोणों के बराबर होने पर तो भुजाएं बराबर नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये सर्वांग समता के नियम होते हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं पहले, जब नियम आएंगे तो नियम भी पढ़ लेंगे। अब आपके सामने लिखा है कि क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि हाँ तो आप इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का नाम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लेते हैं। ये 50 तो ये 50, 110 तो 110 और तीसरा 20 तो 20। ये भुजा 10 सेंटीमीटर तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 और ये 9 तो ये भी 9। तो हमने कहा भाई आपसे संगत भुजाओं का नाम पूछा है तो संगत भुजाओं का नाम लिख लेते हैं। देखिए एंगल एक्स, जो एक तरफ एंगल एक्स है वो दूसरी तरफ एंगल एल है, ठीक है, बड़े में लिख देते क्योंकि इन्होंने बड़े में लिखा हुआ है, हम भी बड़े में लिखेंगे, बिल्कुल जैसा इन्होंने लिखा वैसा ही लिखेंगे, कोई गड़बड़ कोई गलती नहीं करेंगे। तो एंगल एक्स बराबर हो गया एंगल एल, ऐसे ही एंगल वाई बराबर है एंगल एम के, तो एंगल वाई बराबर एंगल एम, और एंगल जेड एंगल एन के बराबर, दोनों ही 20 डिग्री के हैं, तो एंगल जेड बराबर एंगल एन। साथ में भुजाएं भी लिख लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी है, जेड एक्स, तो जेड एक्स बराबर है ये 10 सेंटीमीटर वाली भुजा यानी कि एन एल। ऐसे ही ये 9 सेंटीमीटर वाली भुजा है एन एम, तो ये एन एम किसके बराबर है, एन एम है यहाँ पे बराबर हमारे जेड वाई के, ये भी 9 है ना। और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर वाली है एक्स वाई, तो एक्स वाई किसके बराबर है एल एम के,
ये आपके सामने संगत भुजाएं बराबर आ गई। मैंने लिख दिया आपके सामने कि कौन कौन सी संगत भुजाएं और वो किस किस के बराबर हैं। मुझे लगता है आप कोई डाउट आपको होगा नहीं और एक सेकंड में आप फटाफट इसको नोट डाउन भी कर लोगे। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपकी अगली वर्कशीट है आज साइंस की। अब हमने साइंस में नया चैप्टर शुरू कर दिया, गति। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि गति क्या है, तो दीदी बताती हैं कि ज्ञान जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं सुबह सुबह स्कूल जाता हूँ, तो मैं सुबह सुबह अपने घर से शुरू होता हूँ और अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ। तो मैं अपने घर से, अब देखिए मैंने अपनी स्थिति बदल दी, अपने घर से अपने स्कूल चला गया, तो वो जो स्थिति में बदलाव आया उसे कहते हैं गति, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियाँ होती हैं, स्थिर एवं गतिशील। तो दो ही स्थितियाँ हम बात कर सकते हैं, एक स्थिर यानी कि जब रुकी हुई है और एक गतिशील जब वो चल रही है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है, मतलब रुकी हुई कहलाती है, जैसे पेड़, खंभा, इमारत, क्योंकि ये चलते नहीं है इसीलिए ये रुके हुए हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप गतिशील होते हैं लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप गतिशील हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठ के बाहर देखो तो ऐसा नहीं लगता कि आप आगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है बाकी दुनिया पीछे जा रही है। तो वो जो होता है वो हम कहते हैं कि हम एक चीज़ को सांकेतिक मानते हैं कि इसके संकेत में इसकी तुलना में हम चल रहे हैं, जैसे चलना, चलती कार आदि। सामान्य गति तीन प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी सरल या वक्र रेखा पर चलती है, मतलब सीधा चलती है। दोलन या आवर्त गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित पथ पर गति करती है, जैसे आपके घर में घड़ियाँ होंगी पेंडुलम वाली, तो वो ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे आती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे आती हैं, उसे दोलन गति कहते हैं। और तीसरा है घूर्णन यानी कि वृत्तीय गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई वस्तु एक गोले में घूमती है, तो आप में से कई लोगों ने रेस ट्रैक पे रेस करी होगी स्कूल के एनुअल डे पे, तो वो जो होती है वो एक घूर्णन गति होती है, उसमें चीज़ घूमती है। आगे बढ़ते हैं। अब है जी, दीदी कहती, दीदी से पूछते हैं ज्ञान भाई साहब की राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो ज्ञान, राशियाँ वे हैं जिन्हें माप या तोला जा सकता है, वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति त्रिवन। ये 7 चीज़ें वो हैं जिनको हम नाप सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अगर मैं कहता हूँ फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को आप नाप नहीं सकते ना। मैं कहता हूँ ठंडक, तो आप ठंडक को टेम्परेचर से नाप सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नापा जा सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं नापा जा सकता। जैसे मैं आप बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ वो नाप थोड़े ना सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जा सकता है, पहले राशि का संख्यात्मक मान और फिर राशि का मात्रक। जैसे कि 4 मीटर, 100 ग्राम, 500 किलो, ठीक है। अब टेम्परेचर भी आप ऐसे नाप सकते हैं, आप कहते हैं ना मुझे बुखार है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 102 है। अब इसके भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं, आदिश राशि, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आदिश राशि कहते हैं। आदिश राशियों का मतलब होता है कि आपके पास कोई दिशा नहीं है। अब मैं कहूं कि राकेश बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाता है, 50 किलोमीटर की स्पीड से भी चला लेता है, तो ये एक आदिश राशि है, क्योंकि 50 किलोमीटर से हो सकता है वो 50 किलोमीटर पटेल नगर से कीर्ति नगर चला जाए, हो सकता है वो नवादा से और द्वारका जा रहा हो 50 किलोमीटर की स्पीड से, हो सकता है वो दिल्ली से जयपुर जा रहा हो। तो ये आदिश राशि है, इसके अंदर क्या है कि हमें ये पता नहीं कि दिशा क्या है। एक होती सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। जैसे मैं कहूँ कि राकेश 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा जा रहा है। अब अगर वो आगरा के रास्ते पे जा रहा है तभी ये केस सही है, अगर वो आगरा के रास्ते पे नहीं जा रहा तो ये सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में दिशा के साथ साथ एक मात्रा होती है, मतलब नंबर और साथ में ये दिशा भी कि वो किस तरफ जा रहा है। इसके उदाहरण देख लीजिए आप, संवेग बल, त्वरण, विस्थापन। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है गति किसे कहते हैं। लो, सबसे आसान प्रश्न है गति किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे किया था गति किसे कहते हैं, हमने किया था कि जब कोई वस्तु, पहला उत्तर है ये, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ साथ स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। बहुत ही छोटा सा आंसर है, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, कर लीजिए इसको फटाफट नोट डाउन।
आप सभी को पता है YouTube वीडियो पॉज कैसे करते हैं, तो पॉज करके और कर लो फटाफट। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो बेटा, भौतिक राशियों के नाम लिखने हैं तो मूल भौतिक राशियां सात होती हैं। अभी आपको यहीं लिखवाया है कि मूल भौतिक राशियां संख्या में सात हैं, जो इस प्रकार हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा है, सादिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो ये बिल्कुल आपके सामने लिखा है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। तीसरा उत्तर बनेगा ये आपका, और ये पूरा आएगा इसके अंदर, सदिश राशि के बारे में सब कुछ और ऐसे ही अदिश के बारे में सब कुछ पूरा लिख लेंगे। आपका आंसर एकदम टकाटक तरीके से कमजोर मजबूत हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के पांच उदाहरण दीजिए। मुझे लगता है बच्चों ये तो आप अपने आप ही कर लोगे। भाई, गतिशील जो चलती हैं, तो चलती हैं, चलती में क्या लिखेंगे? चलती में आप लिख सकते हैं गाड़ी, लिख सकते हैं गाड़ी चलती है। और उसके अलावा गतिशील जितनी भी चीज़ें गतिशील होती हैं, जैसे आप जानवर जानते हैं, जानवर ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। आप जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं तो वो गतिशील हो जाएंगे। आप गाड़ियों के नाम लिख सकते हैं, आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, हवाई जहाज लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप ये तो अब आराम से कंप्लीट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज की आखिरी वर्कशीट है हिंदी की। वो कहते हैं, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू बनने की बजाय सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले की लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना? अब पहला प्रश्न है इसका कि कैसे प्राणियों के लिए सलीम अली एक पहेली थे। तो बेटा, किस तरीके के प्राणियों के लिए थे? जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, जटिल प्राणियों के लिए। बाकियों के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जटिल के लिए वो आज भी एक पहेली है। तो ये आपका पहला उत्तर है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथ साथ। तो दूसरा प्रश्न है कि किसने सलीम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। तो बेटा यहाँ देखिए, मतलब समझते हैं इसका, किसने प्रेरित किया था जानने के लिए पक्षियों के बारे में? तो इसका उत्तर यहां से है कि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ये दूसरा उत्तर है, कर लीजिए इसको भी नोट डाउन। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने का क्या आशय है? तो इसमें लिखा है कि सलीम अली टापू नहीं बल्कि अथाह सागर थे। समझ रहे हैं कि सलीम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू बनने की जगह अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका क्या मतलब है कि वो अथाह सागर बने थे? अथाह सागर मतलब उनका जो ज्ञान था, ज्ञान बहुत अधिक था। जैसे सागर होता है ना आदि ना अंत, बहुत बड़ा होता है और कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही उनका भी था कि उनका भी जो ज्ञान था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो चीज़ें उनकी चलती रही, जिस तरीके से उनकी चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें उस तरीके से उनकी चलती रही, इसलिए उन्होंने उनको अथाह सागर बोला है। चौथा प्रश्न देखते हैं,
लेखक की आंखें नम क्यों हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो देखिए, ये अंत में उन्होंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना। तो लेखक की आंखें नम इसलिए हैं क्योंकि सलीम अली की मृत्यु हो गई है तथा इतने अच्छे पक्षी वैज्ञानिक रोज नहीं आते, इतने अच्छे पक्षी वैज्ञानिक रोज पैदा नहीं होते बेटा। इसीलिए वो बहुत परेशान है कि शायद दुनिया ने सलीम अली जैसे पक्षी वैज्ञानिक को खो दिया। तो ये आपके सामने आपका 1, 2, 3, 4 चार प्रश्नों के उत्तर हैं। तीसरे प्रश्न को आप चाहें तो और बड़ा लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उसको लिखने में। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ, यायावर, डिगना और नौसर्गिक। तो यायावर शब्द कहाँ लिखा है? स्वभाव, उन लोग उनके भ्रमणशील और यायावरी, यायावरी मतलब दोस्ताना, अच्छी तरीके से उनकी वो दोस्ती निभाते थे। डिगना, डिगना मतलब ना हिलने वाला, अडिग जो व्यक्ति होता है। और नौसर्गिक का मतलब होता है बहुत भव्य, बहुत अच्छा, बहुत आलीशान, उसे हम कहते हैं नौसर्गिक। तो बच्चों, मुझे लगता है आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।